Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about TR, MR, AR under imperfect competition and relationship between them. ठीक है, तो imperfect competition market में क्या, अगर आप product की quantity को ज्यादा amount में sell करना चाहते हैं तो आपको price कम करना पड़ेगा. Perfect में constant था, लेकिन imperfect में क्या, constant नहीं है. इसमें firm क्या, price maker है. अगर वो अपनी sale को बढ़ाना चाहती है तो उसे price कम करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं TR, MR और AR की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू की. रिवेन्यू क्या है, वो अमाउंट है जो किसी प्रोडक्ट को सेल करके एक फर्म को मिलता है. ठीक है, एक तरह का क्या अमाउंट है, मनी की फॉर्म में, जो किसी प्रोडक्ट को बेचकर एक फर्म को मिलता है. सिंपल सी बात है, किसी प्रोडक्ट को बेचकर जो हमें अमाउंट मिलता है वो मनी की फॉर्म में, जो अमाउंट मिलता है वो आपका रिवेन्यू है. टीआर की बात करें तो एग्रीगेट जो अमाउंट, जो टोटल अमाउंट, ठीक है, एग्रीगेट जो अमाउंट मिलता है वो आपका टीआर है, जिसे आप कैसे निकालते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने आपका आपने क्या 10 क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल किया है और पर प्राइस क्या है 5. ठीक है, क्वांटिटी कितनी है 10, मींस आपने 10 यूनिट को बेचा है और प्राइस क्या है पर यूनिट का 5, तो आपका एग्रीगेट क्या हो गया 50. तो 50 आपका क्या होगा, टोटल रिवेन्यू. जो आपको एग्रीगेट मिलता है वो क्या होता है, आपका टोटल रिवेन्यू. अब हम बात करेंगे एवरेज रिवेन्यू. एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट. ठीक है, टीआर को अगर आप क्यू से डिवाइड कर दोगे, जैसे आपका टोटल रिवेन्यू क्या था 50, आपने कितनी क्वांटिटी में बेचा 5 में, तो 10 के आगे आपका एवरेज रिवेन्यू आ गया. मींस आपको आपको टोटल मनी, टोटल जो आपको इनकम रिसीव हुई वो 50 है. कोई आपसे पूछ लेता है एक से कितनी रिसीव हुई, पर यूनिट का प्राइस कितना, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो क्या आएगा 10. ठीक है, टोटल इनकम मिली 50, टोटल 5 को बेच के आपको 50 मिला, तो एक का प्राइस कितना हुआ 10. ठीक है, पर यूनिट के बारे में आपको कौन बताता है, आपका एवरेज रिवेन्यू. मार्जिन रिवेन्यू क्या बताता है, एडिशनल, जब आप एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करते हो, जब आप एडिशनल यूनिट को सेल करते हो तो जो रिवेन्यू आपको रिसीव होता है वो आपका मार्जिन रिवेन्यू है. जैसे मान लीजिए 5 यूनिट को आपने सेल किया तो आपको कितने पैसे मिले 50, 6 को सेल किया तो आपको 60 मिले. जब आप 5 को सेल कर रहे थे आपका टोटल रिवेन्यू क्या था 50, जैसे आपने 6 को सेल करना शुरू किया आपका टोटल रिवेन्यू क्या हो गया 60, तो आपके रिवेन्यू में कितना चेंज आया, एक एक्स्ट्रा यूनिट को जब आपने सेल किया, एक एडिशनल यूनिट को जब आपने सेल किया, तो आपके टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, आपके टोटल रिवेन्यू में 10 का चेंज आया. ये क्या आपका मार्जिन रिवेन्यू, जो एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने से जो आपके टोटल रिवेन्यू में चेंज आता है वो आपका मार्जिन रिवेन्यू. जैसे पहले 5 यूनिट सेल कर रहे थे तो आपका टोटल रिवेन्यू 50 था, जैसे आपके 6 पे आए तो आपका टोटल रिवेन्यू 60 हो गया. आपका टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, वो 10 का चेंज आया, दैट इज इक्वल टू योर मार्जिन रिवेन्यू. इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, मार्जिन रिवेन्यू टीआर. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकालने का. आपको एन यूनिट का मार्जिन रिवेन्यू निकालना है. मान लीजिए एन यूनिट क्या 6, यहाँ पे आपके 6 निकालोगे तो 6 यूनिट से आपको टोटल रिवेन्यू कितना मिला 60. 6 से जो एक पहले वाली यूनिट है, मींस जो फिफ्थ यूनिट है, उससे आपको टोटल रिवेन्यू कितना मिला 50, 10. ठीक है, तो 6 यूनिट से आपको ये मार्जिन रिवेन्यू कितना मिला 10, ये इसके बराबर आ गया. ये फॉर्मूला निकालने का, टीआरएम माइनस टीआरएम माइनस 1, मींस एन यूनिट का निकालना, तो एन यूनिट से कितना टोटल रिवेन्यू मिला, जो एन से पहले वाली यूनिट है उससे कितना टोटल रिवेन्यू मिला, उन दोनों को माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, मार्जिन रिवेन्यू आ जाएगा. अब हम एक टेबल और डायग्राम के थ्रू से समझते हैं कि मार्जिन रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू इन परफेक्ट मार्केट में क्या है. प्राइस क्वांटिटी, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेते हैं, चल जैसे मर्जी कर लो. ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी भी ले लो आप. ठीक है, अब एक फर्म क्या करेगी, जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ाएगी वो प्राइस को कम करती रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ा रही है वैसे फर्स्ट जब मानो एक क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बेच रही है तो प्राइस कितना रख दिया 10. अब फर्म चाहती है कि उसकी सेल बढ़ जाए तो उसने प्राइस को कितना कर दिया 9. फर्म चाहती है और सेल बढ़ जाए तो प्राइस को 8 करते, फर्म चाहती है और सेल बढ़ जाए प्राइस को और कम करते. इसमें अगर फर्म अपनी सेल को बढ़ाना चाहती है तो प्राइस को उसे कम करना पड़ेगा. यहाँ आप देख रहे हो जैसे जैसे प्रोडक्ट की सेल की बढ़ रही है वैसे वैसे उसका प्राइस कम हो रहा है. टीआर निकाल लेंगे प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, 10, 18, 24, 28, 30, 30, 20, ये आपका क्या आ गया टीआर आ गया. ऐसे आपका ए आर निकालोगे, ए आर प्राइस के बराबर ही होता है, ये सबको पता है. अब टी आर को आप क्यू से डिवाइड कर दो तो आपका ए आर आ जाएगा, ये आपका ए आर आ गया. अब हम एम आर निकाल लेंगे,
ठीक है, एमआर बेसिकली क्या होता है, गैप, कितना गैप आया, 8 का आया, 6 का आया, 4 का आया, 2 का आया, जी लास्ट में -2 चला गया, ठीक है आ गया। तो यहाँ पे हम टी आर ड्रॉ कर देंगे, ये टी आर, ये क्वाड्रेंट, टी आर की शेप कुछ इस तरह से आएगी, ये आपका टी आर और ये आपका एम आर, ये आपका ए आर, ठीक है, एम आर और ए आर। अब मैं इसमें आपको रिलेशन बता देती हूँ, ठीक है, ये टोटल रिवेन्यू इस टेबल के थ्रू बनाओगे तो डायग्राम की शेप कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है, ये आपका टी आर और ये एम आर और ए आर। अब रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, एम आर एंड ए आर, ओके, व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग, व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग MR is declining, but at positive rate. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जब TR हमारा बढ़ रहा है, देखो TR क्या है, बढ़ रहा है, तो हमारा MR क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव रेट से। टेबल में भी देख सकते हो TR बढ़ रहा है लेकिन आपका MR कम हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। जब TR आपका मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ पे आपका TR क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तब आपका MR क्या होता है, जीरो हो जाता है। सेकेंड, व्हेन TR मैक्सिमम, MR इज जीरो, ओके, जब आपका TR क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं TR के मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, तब आपका MR क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर थर्ड, व्हेन TR डिक्लाइनिंग, MR बिकम नेगेटिव, जब आपका TR कम होने लग जाता है, गिरने लग जाता है, तब आपका MR नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है किसमें, TR और MR के बीच में, आई थिंक आपको समझ में आएगा, थैंक यू।